सवात में है, पता नहीं इस गांव का नाम क्या है, ऐसे ही आए हुए हैं गाड़ी रोक के। बहुत खूबसूरत जंगल है ये वादी है सवात में। ऐसे ही हम रास्ते में गाड़ी रोक के ना पैदल आ गए हैं इस रास्ते की तरफ। ये कोई टूरिस्ट की जगह नहीं है, वैसे ही गुमनाम सा जंगल नजर आया हमें और हम एडवेंचर के लिए इसकी तरफ चल पड़े हैं। हाँ जिंदाबाद, बहुत प्यारा जंगल है और बहुत खूबसूरत गांव है। मेन रोड पे हमने गाड़ी रोकी, हमें नजर आया जंगल तो बस निकल लिए हम। ये मैं इधर अब हाइट पे भागता हुआ आया हूँ, नीचे से जॉगिंग करता हुआ, थोड़ा सांस फूल रहा है। ये हम और ज़्यादा हाइट पे आ गए हैं, आप देख रहे हैं बड़ा खूबसूरत जंगल। वो मेन रोड है उधर दूर, हमें लगा ये पहाड़ों के ऊपर ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं तो हम जरा गाड़ी रोक के ऊपर आ गए हैं। ये सवात का एक गांव है, पता नहीं नाम भूल गया मैं। आप हवा की आवाज़ सुने दरख्तों से टकरा के, कैसी खूबसूरत आवाज़ आ रही है हवा की। यहाँ आदमी मंजी डाल के बैठ जाए, यहीं खाना वाना पकाए, लकड़ियाँ जला के खाए और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारे। सुभान अल्लाह। क्या बोल रहे भाई? तेल जाते खाना वाना पकाते ना, बहुत मज़ा आता है। वही तो कह रहा हूँ, मुफ्ती हुसैन खलील खैल साहब फ़िक़ुल मामलात के बहुत बड़े मुफ्ती, मौलाना अफजल साहब इंजीनियर हैं, ये दो NED यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं और मुल्तान यूनिवर्सिटी में, कौन सी यार, बहुद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में इन्होंने लेक्चरार भी रहे हैं काफ़ी अरसे, और बहुत जी इस्तेदाद आलिम भी हैं, इंजीनियर भी हैं, मेरे शागिर्द भी हैं। जामत रशीद में इन्होंने दरस निज़ामी किया है। जामत रशीद का एक बड़ा कमाल है, उसने एक असरी उलूम्स में माहरीन और हजरात को लिया और उनको आलिम बनाया, तो ये बड़ा कमाल है, उन्हीं में से एक ये है। अच्छा भाई मेरा ख्याल है चलें चलते हैं बस। जी चलना चाहिए। वो गाड़ी में इंतज़ार कर रहे हैं नीचे भाई। जी जी तो चलना चाहिए। मौलाना को दिल लग गया यहाँ पे, दो मिनट मुफ्ती हुसैन खलील खैर साहब को उठने का दिल नहीं चाह रहा। हम भी बैठ जाते हैं। अच्छा हम काफी हाइट पर हैं इस वक्त, पहाड़ की चोटी पर आए हुए हम लोग। बैठा हूँ, आसपास दरख्त है और बारिश और हवा कैसी है। ये कह रहे हैं आंखें बंद करो, मंजर को एंजॉय करो, बारिश बारिश हो रही है और थोड़ी ठंड भी हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, बारिश ना तेज़ हो जाएगी। चलो भाई शाबाश, आंखें बंद करके कोई मुराकबा कर रहे हैं। माशाल्लाह मंजर को एंजॉय कर रहे हैं आंखें बंद करके। कर लें गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। आप भी यही काम कर रहे हैं? जी शुक्रिया। चलें भाई इस्लाम। चलो भाई जबरदस्त जगह, यहाँ कोई आता भी नहीं है। एक आदमी ने बताया कि यहाँ सांप कसरत पाए जाते हैं, लेकिन बहरहाल उम्मीद है कि हमारा सांप का नहीं पड़ेगा। बड़े बच्चे भी हैं, हर जगह दुनिया आबाद है। देखो यार इनसे हमें बकरी का दूध पीना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जंगल है। अस्सलाम वालेकुम भाई। ये कौन सी जगह है, क्या नाम है इसका? क्या है? जलाला नाम है इस जगह। ये बकरियां जो जड़ी बूटियां खाती है ना, इनका दूध तो बहुत जबरदस्त होता है। बस इनकी तरह तारीफ की है तो ये लड़ पड़ी है आपस में। खैरियत है भाई, आपका नाम क्या है? बशीर। इंटरनेट देखते हो? नहीं देखते। बशीर साहब उर्दू आती है?
उर्दू भी नहीं आती यार बशीर साहब को, ना उर्दू आती है ना इंटरनेट देखते हैं। ये जानवरों के खाने का मंजर बहुत अच्छा लगता है जब ये चर रहे होते हैं ना, ये तो कैसे खा रही है बकरी। मस्त होके देखें आप गाड़ी देख रहे, गाड़ियां देख रहे हैं आप। तो इनसे हमने कहा यार हमें, ये बेचारे ना नेट जानते हैं ना उर्दू जानते हैं, से हमने कहा है भाई ये हमें बकरी का एक गिलास दूध पिला दो, बड़ी मेहरबानी होगी। तो ये जो जड़ी बूटियां खाती हैं ना बकरियां, बिल्कुल नेचुरल माहौल में पलती हैं, इनका दूध बहुत सेहत के लिए मुफीद है। तो इन्होंने गिलास मंगवाया है, आप दुआ करें, देखते हैं हमारी किस्मत क्या है। उम्मीद तो है हमें दूध मिलेगा इंशाअल्लाह, सल्लु अला हबीब। ये जो जानवर जब खाता है ना, खास तौर पर बकरी, इसके एक अपना मंजर है, मुझे ये मंजर बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा बकरी में खास बात है, जितना भी कांटेदार दरख्त हो ना, ये इतनी स्पीड से खाएगी एक कांटा नहीं लगेगा इसे। कितने कांटे हैं? एक कांटा नहीं लगता इसको, अल्लाह ने ऐसा हुनर सिखाया है। इसका बच्चा गिलास लेने गए हैं, आ गया भाई गिलास, आ गया भाई, मुबारक हो मुबारक हो। ताज़ा ताज़ा दूध पियेंगे बकरी का, जिंदाबाद। चलो उस्ताद निकालो यार, ये गांव के लोग हैं, इनसे थोड़ा हमें डर भी लगता है कि एकदम कोई बात महसूस ना कर लेना जी, थोड़ा सा महसूस के पता चला जी जी। तो तीनों इधर ही लेटे हुए पियेंगे बकरी का दूध, मेदे की तेजाबियत के लिए। देखे कौन से क्या होगा, मतलब ये कि गालो भाई निकालो, भाई निकालो, भाई चलो भैया आओ भाई, आओ भाई, आओ भाई, शाबाश। पहले हाथ साफ है ना, नहीं साफ है जिंदा ये है असल में ऑर्गेनिक जड़ी बूटियां खाने वाली बकरी। ये ढेर बकरी है, मांग रोक के खड़ी हो गई है, ये बयान नहीं सुनती होगी ना यूट्यूब पे। पहचान जाती मुझे। अब नाज़रीन एक गिलास निकलेगा और हम तीनों हजरात का फड्डा होगा इस पे कि कौन पिएगा, क्योंकि मुतालबा मैंने किया था, तायीद मैंने की थी, तो आपको तायीद के बदले में मिल जाएगा एक घूंट। बकरियां पाला करें घरों के अंदर और ऐसे ताज़ा दूध निकाल के पिया करें, मेदे की तेजाबियत खत्म, कब्ज खत्म, कैल्शियम से भरपूर, कम
कंपनियों ने हमें मसनूई चीज़ों में लगा दिया है। चलो भाई, पहले मुफ्ती हुसैन खलील खेल साहब नोट फरमाएंगे, पीले पीले बिस्मिल्लाह एक दफ़ा काफ़ी, पीले 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 उधर देख के। अच्छा, चाह रहे हैं कि जरा धूप पीते, हजरत को धूप पीने का मंजर क्या है, सुभान अल्लाह, महफूज हो जाए। हौसला अफजाई के लिए तीन घूट पिए इन्होंने, आप पिए, आप पिए, मैं आपको पेश करता हूँ। नहीं नहीं, बस मैं वैसे ही पी लूँगा, वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। जजाक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने पीना है? मैं नहीं पीऊंगा, सारा खत्म नहीं करना। वाह, मजा आ गया, जिंदाबाद। दूध बॉइल करने से भी ना दूध में गड़बड़ हो जाती है, इनको देने पैसे कुछ। ये लो भाई, ये भी दे दें यार, ये भी दे देना बेचारे। ना वाखला वाखला वाखला, खा दे, खफा होना दे, और निकलेगा। अच्छी बात है यार, कितना मजे का है या नहीं है, सब ताजा मजेदार। यार चलें, देर हो रही है, फिर एक और निकलेगा भाई। बकरी पालो, सुभान अल्लाह। इतना मजा है यार, जंगल में चलती हुई हवाएं, बड़ी ठंडी हवा चल रही है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध इसी तरह पीते थे, हला बशा बशरीबा, हदीसों में आता है, दूध धोया, निकाला और पी गए। दूध रखा, फिर उसको बॉयल किया, वो नेचुरल हालत में नहीं रहता, उसकी कुछ जो है ना मिनरल्स उसमें, मैंने डॉक्टरों से ये बात सुनी, जाया हो जाते हैं। तो ताज़ा दूध, इतनी बकरी बहुत डीट है, सोशल मीडिया नहीं नहीं है ना, सोशल मीडिया देखती रहती, तो उसको नेचुरल उस पे रहने देना चाहिए। तो सोशल मीडिया अगर ना देखें तो नेचुरल मिजाज पे रहेगी। हाँ, ये नेचुरल मिजाज तो फिर ये ढीठ पानी है। जिंदाबाद। बस काफ़ी है, काफ़ी है भाई, कुछ इसके बच्चे के लिए भी छोड़ दो, इसका बच्चा बदुआएं देगा हमें। ये पहले तुम बिस्मिल्लाह, चले भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हें कुछ पैसे और दे देते, 100 रुपये बस, बस यार 200 दे दिए, बस यार 200 दिए। हाँ हाँ, चलो बेटी, सो मैंने, चले भाई। हाँ, दिखात खुना थी कड़े, दिखात पोए जे, इतनी पश्तो की पश्तो और यहाँ की पश्तो। हाँ, वो कोयटा में और यहाँ समझ गया कि हम शुक्र बा, हाँ, सलाम अलैकुम, सलाम होना कबूलों का। चले भाई, साहब भाई, नहीं हम, ओ भाई इधर से रास्ता नहीं है, वो दादा देखा ना रास्ता, ये अलता का ना, हम यहां लारा अलता दे, अलता दे, नहीं भाई इधर कोई चीज ही नहीं है उतरने की। चलो हम उतराई पे आ गए हैं काफी, और ये देख रहे हैं कैसा खूबसूरत गांव है। अभी ग्रीनरी फिर भी निस्बतन कम है क्योंकि अक्टूबर है ना, आ जाए आ जाए। हम लोग यहाँ नीचे आ गए हैं और मौलाना बशीर साहब, क्योंकि डाकुओं ने गोली मारी थी, टांग जख्मी है, ये पहाड़ पे नहीं जा सकते थे,
तो इन्होंने बड़ी अच्छी जगह तलाश की है। मंजी, मैं तो ऐसी फर्जी मिसाल दे रहा था कि दरख्तों के बीच में कोई चारपाई हो, मंजी हो, वो इत्तेफाक की बात है यार। यहाँ चारपाई पहले से रखी हुई है। जिंदाबाद जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। ये इन्होंने रास्ते में कहीं पहचाना है। खैरियत से आप? शुक्र है जी। ठीक दे टोल खा दे, हंडी वाला अन खा दे, टोल दिगत मिगत खोने दी कड़ी। ये कोयटा वाली पश्तो है, दिगत वाला समझ में नहीं आ रहा। वो और भी लोग आ रहे हैं,